लोकतंत्र के महापर्व के दौरान रायसेन जिले में भी मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला, जहां युवाओं से लेकर बुजुर्गों ने मतदान कर देश के प्रति अपना दायित्व निभाया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीट के साथ विदिशा संसदीय क्षेत्र में शामिल रायसेन जिले में भी मतदान हुआ। मतदान को लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्गों में उत्साह देखने को मिला और देश के प्रति अपना दायित्व निभाने के लिए मतदाता अल सुबह से पोलिंग बूथ के बाहर कतार में नजर आए और अपनी बारी आने पर मतदान किया। मतदान केंद्रों पर युवाओं के साथ ही दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाता भी लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में पीछे नहीं रहे। रायसेन जिले की तीनों विधानसभा में सिलवानी 72.74, भोजपुर 74.73 और सांची 72.65 और विदिशा संसदीय क्षेत्र में टोटल 73.39% मतदान हुआ। मेरा नाम अंकिता पाटकर है। मैंने अभी लोकसभा के निर्वाचन में अपना मतदान दिया। 142 हमारा मतदान केंद्र रहा स्वामी विवेकानंद कॉलेज रायसेन में, और मतदान करके एक अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है। देश के लोकतंत्र में भागीदारी के लिए एक हिस्से में मुझे खुशी हो रही है। धन्यवाद। मेरी उम्र 88 रनिंग है। मैं वोट डालने के लिए आया हूँ, मैंने वोट डाल दिया है। मेरी सभी वोटर से अपील है कि वो आकर के वोट करें। मेरा नाम दिनेश सक्सेना है, तो मैं आज सुबह से मतदान करने के लिए आया हूँ। बाकी सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। विदिशा संसदीय क्षेत्र में 19,38,000 जो मतदाता हैं करेंगे मतदान और चुनेंगे अपना सांसद। क्या नाम है आपका? प्रकाश नारायण जैन। आपने वोट किया है? जी हाँ, मैंने वोट किया है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 86 वर्ष की उम्र हो गई मेरी, और मैंने आज पहली बार व्हील चेयर पर बैठकर बड़े आराम से आप लोगों की सुविधा अनुसार मैंने मतदान किया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई वोट डालने आने पर। यहाँ धन्यवाद। आपकी एज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मेरी उम्र के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह भी हो सके मतदान अवश्य करें, चाहे व्हील चेयर पर आकर, चाहे गोदी में आकर, चाहे गाड़ी में बैठकर मतदान अवश्य करें, जिससे कि राष्ट्र मजबूत हो और सत मतदान हो सके। मतदान केंद्र पे आपको कैसा लग रहा है? कैसी सुविधा है मतदान केंद्र पर? पूरी सुविधाएं हैं। जलजीरा दिया जा रहा है बहुत से लोगों की तरफ से। मुझे व्हील चेयर उपलब्ध कराई गई, जिस पर बैठकर मैंने मतदान केंद्र पर जाकर मतपत्र का मतदान किया।